स्टूडेंट्स, लेट्स एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो कि लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए. हमें पता है कि लिमिटिंग फैक्टर जो होगा, ये अगर हम देखें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि किसने दिए, ब्लैकमैन ने दिए. इन्होंने क्या बताया कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस जो कि अफेक्ट हो रहा है मोर देन वन फैक्टर से, कोई भी केमिकल रिएक्शन अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन क्या होगा कि इसका जो रेट होगा, इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, तो जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस जो है इसको अफेक्ट करने वाले मैनी फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइट देन टेम्परेचर हुआ, देन CO2 हुआ, देन वाटर हुआ. तो अगर हम देखें ये जो डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इनमें अगर हम देखें वो वाला फैक्टर जो कि अपने मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट होगा वो डिटरमाइन करेगा इसका रेट. तो अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो CO2 नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें, जब क्लियर स्काई होता है तब जो CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है. तो CO2 तो लिमिटिंग फैक्टर है, इसे ही दिया है. कौन सा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो ये अपने मिनिमल वैल्यू के यहाँ पे नियरेस्ट है, इसीलिए अगर हम देखें ये जो है ये क्या होगा, ये लिमिटिंग फैक्टर होगा. लेकिन लाइट कब बनता है लिमिटिंग फैक्टर, जब क्लाउडी डेज होंगे या डेंस फॉरेस्ट होगा उस कंडीशन में अगर हम देखें लाइट जो होगा लिमिटिंग फैक्टर होगा. तो ये भी एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लोरोफिल भी अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल अगर ज़्यादा, अगर कम अवेलेबल होगा तो उस टाइम पे ये भी जो है लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, ये सही दिया है. लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो अगर हम देखें डायरेक्टली यहाँ पे ये इन्वॉल्व है, लेकिन ये वाला जो है ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन रहा, तो ये गलत है. सो करेक्ट आंसर विद दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.